अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल हैं आप सब के? अच्छा जी, सतरंगी आपके घर में फिर रंगों की भरमार लेकर आया है और आज का दिन बहुत ही अहम दिन है क्योंकि आज बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर आज ईद है, तो तमाम उन तमाम मुसलमानों को आज ईद मुबारक जो कि आज ईद मना रहे हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक। हम सबकी तरफ से ज़ोर से बोलें ईद मुबारक। बिल्कुल जी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कल ईद मनाएंगे, हम लोग भी इसमें शामिल हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग भी हैं, कुछ और बांग्लादेश में भी लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कल ईद मनाएंगे लेकिन जिनकी आज ईद है, और ख़ासकर जिन्होंने कल हज किया है उनको भी बहुत बहुत हज भी मुबारक और ईद भी मुबारक। और ईद कुर्बान की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से अभी तक जारी हैं। हमारे घर का के दो जानवर तो दो दिन पहले आ गए थे, एक जानवर जो है वो कल रात को आया है। मैंने बड़ी देर तक इंतज़ार किया कि शायद सऊद आ जाएं एक बजे तक दो बजे तक, लेकिन फिर मैं सो गई क्योंकि जानवर देखने का बड़ा शौक होता है कि भाई क्या आया, किस कलर की गाय है, किस कलर के बकरे हैं। सुबह मैंने देखा, गाय को देख के खुश होकर फिर मैं आई हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आज रात को जाएंगे जानवर लेने के लिए। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे जिनके यहाँ चांद रात को आता है जानवर, कुर्बानी का जानवर पहले आ जाता है? सबके यहाँ पहले आ जाता है? किस माइक पे, माइक पे, माइक पे, माइक कहाँ है? अच्छा जी, माइक जब तक आ रहे तब तक हम बाकी बातें करते हैं। अच्छा ये बताएं कि हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने ईद के कपड़े बना लिए और कितने लोग आज खरीदने जाएंगे? नहीं बनाए, नहीं बनाए, आज लेंगे। चूड़ियाँ वगैरह पहनी है? चूड़ियाँ लेकर आए हैं जिन लोगों ने कपड़े बना लिए हैं? मेहंदी शेंदी कुछ नहीं भाई, आज मेहंदी लगवाऊंगी मैं आपके यहाँ पे, मेहंदी वाली भी बैठी है। इधर आ जाए, जरा देखें हमारे यहाँ पे मेहंदी की आज लगाई जाएगी। जिस जिसने मेहंदी लगवानी है वो मेहंदी लगवाएगा, जिस जिसने चूड़ियाँ पहननी है वो चूड़ियाँ पहनेगा। तो हम सबसे पहले चूड़ी वाले को देख लें ज़रा। अभी ये अंडर प्रोसेस है, तैयार हो रहे हैं, अभी इनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए। बेटा माइक उठाओ, क्या नाम है आपका? वासिक है। मोहम्मद वासिक। मोहम्मद वासे, चूड़ियाँ कैसे दी हैं चूड़ियाँ? ये वाली 25 रुपए दर्जन। 25 रुपए, क्या साइज है इसका? सवा दो। और ये कौन सी वाली चूड़ियाँ कहलाती हैं? रोशनी है। रोशनी, ओ वाह। अच्छा, और ये वाली कौन सी कहलाती हैं? ये सेट कहलाते हैं। सेट नहीं, वो चूड़ी कौन सी है? नगीने वाली। ये रोशनी है, ये नगीने वाली है। और कौन कौन सी चूड़ियाँ रखी हैं? ये कौन सी वाली हैं? ये एंटीक आइटम है। एंटीक आइटम है, ये एंटीक आइटम है। क्या है ये? एंटीक आइटम। अच्छा, और कौन कौन सी तरह की चूड़ियाँ आपके पास? ये कौन सी वाली है? ये भी नगीना वाली। ये भी नगीना है। ये वाली कौन सी है? दुल्हन चूड़ी। तुम आदमी तो नहीं हो? हैं? कंफर्म? पक्का? क्या उम्र है तुम्हारी? 6 साल हैं? 6 साल। 6 साल है तो मैं पप्पी कर लेती हूँ। मैंने कहा ऐसा ना अंदर से आदमी निकला, अक्सर इतने छोटे होते हैं ना आदमी तो वो इंसान धोखा भी खा जाता है। ये आप कौन है? इनके भाई हैं? जी मैं इनका भाई हूँ। हाँ, और ये मेरा छोटा वाला भाई है। पढ़ता है ये? ये पढ़ते नहीं है, सिर्फ हिफ्ज़ करने जाते हैं तो हम लोग। अच्छा, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फिर तो हिफ्ज़ करने के बाद पढ़ाई शुरू होगी ना? हिफ्ज़ करने के बाद डायरेक्ट मैट्रिक में भी दाखिला मिल जाता है स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा। हाँ। इस वजह से हम इनको हिफ्ज़ करा रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते, उनका पढ़ाई में ध्यान लगता नहीं है। अच्छा, ध्यान लगवाओ ना पढ़ाई में, चूड़ियों पे लगा दिया, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगेगा। हैं? मदरसे जाने के बाद जब स्कूल में जाओगे पढ़ने, 2-3 साल 4 साल में करेगा मेरे ख्याल, 4-5 साल में। 2 साल में कर लोगे? अरे वाह, ये तो 1 साल में भी कर सकता है भाई। उसके बाद क्या बनोगे स्कूल पढ़ने जाओगे तो? क्या बनोगे उसके बाद? जो नसीब में होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ पैराडाइज सलोन से सुमैरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुना?
ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेहंदी कौन सी लगाएंगे? अच्छा, इनमें से पहले भाई एक दफा फिर मुझे बता दें, इनमें ये वो वाली मेहंदी तो इनमें कोई नहीं है जो हाथ पे लगाने के बाद हाथ पे छाले निकल आते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंफर्म? कंफर्म। ये कौन कौन सी नॉर्मल मेहंदी है? ये लाल मेहंदी है, नॉर्मल भी है और रेड कोन भी है। नॉर्मल भी, रेड कोन भी है। अच्छा, खतरनाक वाली कौन सी जो आ रही थी बीच में? ब्लैक कोन और रेड कोन होती है, पर ये इसमें केमिकल नहीं है। केमिकल वाली नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लगा दी ना। नहीं, ये हम लोग ऑर्डर पे तैयार करते हैं, ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं। ऑर्डर पे तैयार कराते हैं, केमिकल वाली? विदाउट केमिकल। विदाउट केमिकल, अच्छा अच्छा। अच्छा, कौन कौन से डिजाइन चल रहे हैं आजकल मेहंदी के? इंडियन है, सूडानी है, अरबी मेहंदी, अरबिक, हाँ, पाकिस्तानी नहीं चल रही। पाकिस्तानी डिजाइन थोड़े कुछ पुराने हो चुके, ओल्ड हो चुके हैं, इसलिए अच्छा, लोग कम लगवाते हैं। कम लगवाते हैं, अच्छा। तो ज्यादा क्या लगवाते हैं? सूडानी। सूडानी मेहंदी कैसी होती है वैसे? मोटी होती है, बारीक होती है? बारीक और मोटी थोड़ी मिक्स होती है। अच्छा, मिक्स होती है, अच्छा अच्छा। चलें, आज मेहंदी लगवाएंगे आपसे, देखते हैं। वेलकम। खुद लगाएंगी? जी जी। अकेली? जी जी। तो कितने हाथ लगा लेंगे अकेली आप? और एक हाथ पे कितना टाइम लगाती हैं आप? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट, यानी 15 और 15 30 और 15 और 15 30, यानी आप सिर्फ 4 हाथ लगाएंगी? अच्छा जी, मेहंदी भी है, चूड़ियाँ भी हैं, चांद रात क्योंकि है आज, तो जी आज हम करेंगे थोड़ी सी ईद की तैयारी अपने शो में। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दी चलूँ कि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे वो हमारे चैनल यानी एक्सप्रेस चैनल पे जो 2 ड्रामे चलने वाले हैं और चल भी चुके हैं, उनके कुछ आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, प्रोड्यूसर मौजूद होंगे, और आप लोगों के पसंदीदा ड्रामे हैं वो, जिसमें है एक ज़िक्रिया कुलसुम की लव स्टोरी और दूसरा है यही है ज़िंदगी। तो जी आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उन तमाम आर्टिस्टों से और देखेंगे कि वो अपनी चांद रात यहाँ पे कैसे मनाते हैं। और ये जो ड्रामे हैं ये आप ईद के तीनों दिन, बल्कि ज़िक्रिया कुलसुम की लव स्टोरी तो आज रात को भी आप देख सकेंगे। तो जी ईद के अंदर इन ड्रामों की भरमार होगी, कहकहों की भरमार होगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को यकीनन पसंद आएंगे। और जी मेहमानों को बुलाने से पहले मैं चाहती हूँ कि छोटी सी ब्रेक ले लूँ, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दी चलूं कि आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं जिनको हम यहाँ पर बुलाएंगे। ये तो आपको ब्रेक से आने के कुछ देर के बाद पता चलेगा कि वो स्पेशल गेस्ट कौन है। तो जी देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। कहा था कि आज चूंकि चांद रात है और कल ईद है और आज हम चांद रात की खुशियां मना रहे हैं, तो हमारे एक्सप्रेस की एक जो पूरी टीम है, टीम से मुराद के एक्सप्रेस में काम करने वाले और एक्सप्रेस के साथ काम करने वाले लोग आज यहां पे मौजूद हैं। तो आज एक्सप्रेस फैमिली मिलकर इस चांद रात को मनाएगी ताकि कल ईद की खुशियों का लुत्फ दोबारा हो जाए। और मैंने आपको बताया जी ज़िक्रिया कुलसुम की लव स्टोरी जो कि आप एक्सप्रेस चैनल पर देखते हैं ड्रामा, वो आज चांद रात से ईद के तीनों दिन तक आपको महसूस करेगा। और आज ज़िक्रिया और कुलसुम हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपकी बहुत सारी तालियों, हम उनको बुलाएंगे दानिश और उरुसा। बैठे रहिए, कोई बात नहीं, बस बैठ जाए। अरे बैठ जाओ। अरे बैठ तुम क्यों खड़ी पे बैठो? बैठो यार, अच्छी बैठ जाओ। अब हम इतने भी सीनियर नहीं हुए कि आप लोग हमें स्टैंडिंग ओवेशन दे यार। बैठ जाओ भाई, तुम भी बैठ जाओ भाई। मैं तो बैठी भी लग रही हूँ वैसे ही। अरे बैठ ही नहीं रहे लोग, बैठने में भी तालियां बजाओगे? बैठ ही नहीं रहे लोग, बिठाओ ना यार इन लोग। देखो एक्टर स्टार जो है ना फिल्मों में आपने देखा होगा स्लो मोशन में बैठता है। अच्छा तुम प्रोड्यूसर भी हो उस ड्रामे के? कहाँ? इस वाले के? ये इस शो के? ज़िक्रिया और कुलसुम। ज़िक्रिया के? कौन कुलसुम? ये मेरी ना बेटी है, कुलसुम की लव स्टोरी। देखिए मैं अपना तारुफ कराते हुए बहुत बुरा लगता हूँ, आप इनसे पूछें। ये है मशहूर फिल्म स्टार दानिश। सबसे पहले उसके बाद ये है प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर और पता नहीं क्या 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 क्या। बस ये समझ लेंगे लीडो होता है ना, प्रोड्यूसर भी आप हैं, डायरेक्टर भी आप हैं, जी जी है ना।
सुनिए, हर हर जगह पे छक्के पे जिस साइड पे भी जाओ कुछ ना कुछ नंबर तो मिलते ही है। नहीं नंबर तो मिलते ही है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, तो किसी हर चीज का एक एक नंबर है। डायरेक्शन का नंबर, प्रोडक्शन का नंबर, टीवी एक्टर का नंबर, फिल्म एक्टर का नंबर, और फिर सबसे बढ़कर दानिश नवाज का नंबर। ओ मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदाया। अच्छा जी, प्रोमो दिखाएं सबसे पहले इनके ड्रामे का जो अभी ईद पे चलने वाला है। रोज की तरह हम लोग भूखे बैठे हुए और रोज की तरह मम्मा और दादी लड़ रहे हैं, आपकी रगों में खून है या दाल। सासू माँ, आज ईद के दिन भी वही पुराने ताने। हे मिंजा मोला, मेरे को लगता है कि अभी छप्पड़ फाड़ के गोश्त मेरे पास आने ही वाला है। अरे पगली, तू फिक्र क्यों करती है, खाली हाथ थोड़ी आऊंगी, आखिर ईद का मौका है। जो मैं गोश्त तुम लोगों के लिए लाया था वो किसी और को दे दूंगा। गेले रुलाएगा क्या, चलो आ जाना। जकरिया कुलसुम की लव स्टोरी बकरा ईद स्पेशल, ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन रात 9 बजे मनाइए खुशियों से मालामाल ईद एक्सप्रेस के साथ। मैं चाहूंगी कि एक बार उरूसा जो है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भी इन्होंने कहा कि गोश्त आने वाला है वो करके बताएं। जरा इधर आओ, कहां ये क्रेन, ये क्रेन के सामने जल्दी से, नहीं ना मैं, नहीं नहीं क्रेन करीब लाए, तुम इधर आओ मुंह के, हाँ कमियर, और करीब नहीं आ सकती ना, मसला ये है। नहीं बस ये ठीक है, हाँ चले बोले। अब आप क्या बोल रहे हैं, जो आप गोश्त आने वाला बोला है, गोश्त आने वाला है, नाजरीन गोश्त आने वाला है। क्या बड़ा मजा आता है इस तरह की ना, बताइए कॉमेडियां करके। बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जहाँ पे वाकई इतनी खुशी होती है गोश्त आने की, और हम उस खुशी से महरूम है। क्योंकि हमारे वैसे ही आ जाते हैं, लेकिन वो जो खुशी होती है ना, लोग अब जो जिन जगहों पर हम रहते हैं वहाँ पे गोश्त आता था, लेकिन बहुत कम कम आता है। एक दो जगह पहले ये होता था, पहले जो मोहल्लों के अंदर के वो टेबलें भर जाती थी गोश्त से, और ये ऊंट का गोश्त है, ये इसका गोश्त है, उसका गोश्त है, और अब तो हम बैठे होते हैं कहीं से। यार अब तो हमें लोग फोन करके कहते हैं यार आपने खुद किया होगा ना बकरा, आपको क्या जरूरत है। लेकिन हम कहते हैं भाई हमने जो किया था हमने तो बांट दिया। आप खुद कितनी कुर्बानी कर लें, चाहे आप गाय कर लें, चाहे ऊंट कर लें, चाहे बकरे कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन चाहे चार बोटियां आए, जो गोश्त आने की खुशी होती है ना किसी घर से, ये बात वो खुशी नहीं मिलती। देखो भाई मुफ्ता जाना नहीं चाहिए। मुफ्त की जो खुशी है ना, आप कहीं जाओ आपको गिफ्ट मिल जाता है। हाँ, तो अच्छा तौलिया क्यों ना निकले, ग्लास ही क्यों ना निकले, लेकिन अच्छा ना मुफ्त में। उरूसा मेहंदी लगवानी है, मेहंदी वैसे लगवानी तो है, लेकिन लास्ट टाइम मेहंदी के साथ बहुत बड़ा भंड हुआ है मेरा। यहाँ तो नहीं लगवाई थी, नहीं यहाँ नहीं लगवाई थी। बड़ा कह के बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़ा अच्छा ये, बड़ा अच्छा वो, और उसके बाद वही जो एलर्जीज जो शुरू हुई थी मेहंदी की, तो उसके बाद से तो जान, लेकिन वो एलर्जी वाली नहीं है मेहंदी। मेरी भी यार मेहंदी से मूंछें बना दे यार। हाँ यहाँ लगवा सकते है ना, यहाँ लगवा लो, और वहाँ जाओ हम जा रहे हैं शो में, या ये वैसे अच्छा ये लगाएंगी मेहंदी है? आप क्या सोच रहे थे किधर जा रहे हो? नहीं कहाँ मेहंदी लगने जा रही है, मेरा भी जरा मेहंदी से चश्मा बना दे, आज मैं भूल आया। अच्छा दानिश, ये जो क्या स्टोरी बनाई है तीनों दिन की, कोई सिर्फ बकरे और? नहीं हमने इस दफा बहुत हटके काम किया है। अच्छा चश्मा, और इस दफा बहुत डिफरेंट है, चश्मा लगा लो। नहीं इस दफा हमने बहुत हटके काम किया है, हमारे आप सिटकॉम में देखेंगे बिल्कुल नया तरीके से है कि हम लोगों ने इस ईद पे बकरा खरीदा है, और उसके बाद हम बकरे की कुर्बानी करते हैं, और फिर मेहमान आते हैं उनको गोश्त खिलाते हैं। और वो किस तरह होता है? बस ये मुश्किल से होता है सब कुछ। मैं हालांकि जो कर रहा हूं नॉर्मल जैसे सिटकॉम बनते हैं वैसे है, मजे का है। नहीं मैं ये पूछ, मैंने ये पूछा है आपसे कि जो तीनों दिन का है वो तीनों दिन बकरे के ऊपर और इसके ऊपर ही सारी। भाई तीनों दिन डिफरेंट है, पहले दिन तो ये है कि जी ईद आने वाली है, सही है, उसमें आप एक्साइटमेंट तैयारी है, तो जकरिया भाई जो है ना वो कोशिश ये करते हैं कि घर वालों को पता नहीं लगे कि ईद आने वाली है, वरना खर्चा बढ़ जाएगा मेरे भाई। अच्छा हमने सुना कि वेस्पा बड़ी कोई इंपॉर्टेंट वेस्पा है, बसंती जो है ना, जो के वो क्या नाम है अपने आपके रॉन्ग नंबर में भी इस्तेमाल हुई है, जी जी जी। फिल्म में भी
इनको बिठाने के बाद वो उस काबिल है? अरे ऐसी काबिल है, इनके बिठाने के बाद तो वेस्पा कहती है यार मैं इस शूट पे रोज आऊंगी। सुन रही रूसा? रूसा ने नहीं सुना। क्या तुमने मुझे इतनी दूर बिठा दिया है, मैं अपनी अपने से दूर बिठा दिया, मैं कहा सुनो तुम लोग की बात। अच्छा ये बताओ जब तुम लोग ड्रामा ये कर रहे होते हो तो कितनी हंसी आती है, कितनी दफा गिरते हो हंस हंस के? सबसे ज्यादा दानिश भाई हंसते हैं और सबसे ज्यादा मतलब हम लोग यही देख रहे होते कि दानिश भाई मतलब क्या हो गए। असल में मसला ये कि मैं उन जोक पे ज्यादा हंसता हूँ जो कभी कभी मैं कर देता हूँ। जब ये ड्रामा बनाना शुरू किया था सोचा था उरूसा का ख्याल कैसे जहन में आया, उरूसा को होना चाहिए? उरूसा का ख्याल डे वन से आया था। असल में बात ये की ये जो फैमिली कैरेक्टर्स है ना हम लोग सब एक जैसे लगना बड़ा जरूरी थे। और ऐसे कम है ऑफिस इंडस्ट्री यू नो, ऐसे जो कम है ना, शहनाज परवेज है, मैं, रूसा और नहीं, वी डिड एन एपिसोड एक्स्ट्रास की राइट, जिसमें से फिर हमने कोई टेलीफिल्म या कुछ की थी जिसके बाद कुछ हुआ था पता नहीं कुछ नहीं बल्कि वी टॉक हमने नहीं हम असल में ऑलरेडी एक प्ले तो कर ही रहे हैं केमिस्ट्री हां हम लोग एक और कर रहे थे प्ले तो रूसा के साथ बहुत अच्छी बातचीत भी और ये बहुत मैं कहता हूँ उरूसा उन एक्टर्स में से है जो कि बहुत प्रोफेशनल देखें मैं अगर साल में दो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ दोनों में उरूसा ऐसा हाथ है एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बात कर रहा हूँ शी इज वेरी कंफर्टेबल कोई टेंशन नहीं बिल्कुल अपना सेट समझिए इम्प्रोवाइज भी करती हैं एक्टिंग में भी कपड़ों में भी तो कंफर्टेबल है उरूसा के साथ तो जाहिर है पहला थॉट यही आता है यार ऐसे आदमी क्योंकि सिटकॉम की सबसे बड़ी बात होती है कि वो बहुत दूर तक जाता है 100 किस्तें होती हैं 50 होती हैं 150 होती हैं तो उसके लिए एक्टर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो बेगम बनाई थी वाकई अपनी लगने लग जाती है क्योंकि बेगम के साथ ना टाइम नहीं गुजरता जितना वहां पे गुजरता है। हाँ महीने में एटलीस्ट 10 दिन हम 12 घंटे से ज्यादा हम लोग साथ हो रहे होते हैं तो मतलब लड़ाइयां भी हो रही होती हैं सारे लड़ाई नाराजगी मनाना सब कुछ चल रहा होता है। हाँ इस वजह से लेकिन हम लोग जब काम करते सारे एक फैमिली हो जाती है और वो फैमिली जो है फिर जब कभी ड्रामा खत्म होता है और फिर ये होता है कि अब नहीं होगा तो वो बड़े तकलीफ देते हैं इंसान को भी इस बात की खुशी भी होती है कि चलो वो दो चार लोगों के जाने की खुशी होती है जो कि बहुत तंग कर रहे होते हैं लेकिन फैमिली जो होती है हम लोग क्योंकि ज्यादातर टाइम अपना ड्रामा रिकॉर्डिंग के ऊपर ही गुजारते हैं जाते हैं रात को ही घर आते हैं हम लोगों की एक्टर्स की लाइफ में थोड़ी रूटीन इसी तरह की है और इसमें मजा भी आता है क्योंकि अगर हम मतलब अगर एक ही फैमिली के साथ 15 साल तक गुजारा कर लें तो बैंक में नहीं होते हम लोग जो मैं कभी कभी सोचता हूँ लोग रोज जाते हैं सेम शक्लें सेम क्या हमारी तो हर कुछ दिन बाद फैमिली चेंज हो जाती है अरे आज आप हैं आज आप मेरी अम्मी है आज आप मेरी बेगम है आज आप मेरी बहन है। अच्छा जी बातें होती रहेंगी चलती रहेंगी उरूसा जो है वो मेहंदी लग रहा है मेहंदी तो दिखाए क्या लग रही है उरूसा की जरा दिखाइएगा तो सही कौन दिखाएगा अच्छी मेहंदी लगाई आपने तो जबरदस्त कोई ताली नहीं मार रहा तालियां इनका सब सुबह सुबह चाय की जगह लस्सी पिला दी इन सबको किसको ये मेहमानों को बस बिल्कुल ठंडे हुए हैं बिल्कुल एंजॉय तालियां जान पे ये वाह 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 वाह। अच्छा जी काशी भाई गाना सुना देंगे अच्छा सा। सलाम काशी भाई क्या हाल है आपके? काशी भाई आज मैचिंग करके आए उरूसा तुमसे। भाई आप तमाम लोगों को जो इंटरनेशनली हमें इस वक्त देख रहे हैं उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक बिल्कुल। और जो हाजी हैं जिन्होंने हज किया है खैर वो घर आएंगे तब उनको पता लगेगा तो आप लोगों को हज भी बहुत बहुत मुबारक बिल्कुल। और माशाल्लाह इतने अच्छे टाइम है दुआओं का कबूलियत का टाइम तो अल्लाह करे सब तमाम लोगों की जायज दुआएं कबूल हों। और मजे की बात कल हज था कल मेरी अम्मी की सालगिरह भी थी माशाल्लाह से और कल मेरे भाई की बेटी भी पैदा हुई। अरे भाई माशाल्लाह और मैं फुप्पो बन गई हूँ पहली दफा जिंदगी में पहली बार फुप्पो बनी अच्छा एक और बात है कि मेरा भाई जो है डॉक्टर फराज डेंटिस्ट है वो
वो भी हज पे गए हुए, मेरी वालदा भी हज पे गई है। मुबारक हो। तो ये एक्साइटमेंट और ये खुशी जो है ना, वो नहीं हो जाती। आप समझ लें, अम्मी माँ का हज पे जाना और वहाँ पे अल्लाह के आगे दुआ करना, वो हमारे लिए भी दुआएं होंगी, हमारे लिए भी, हमारी भी किस्मत पलट जाएगी। किस तरह जाएंगे, क्या होगा, क्या होगा, बल्कि इनफैक्ट उसके बाद ही हुआ था ना ये ट्रेन वाला जो हुआ था। उसी दिन हुआ था, मेरे तो जिस दिन अम्मी अबू गए थे उसी दिन हुआ था। यार बहुत बस ये हादसा बड़ा, अल्लाह मगफरत करे उनकी। हर किसी को एक ना एक दिन जाना है, लेकिन अल्लाह के घर से कोई गया है। और वो देखे ना कितनी खुशकिस्मती कि आज वो वहाँ पे ईद मना रहे हैं। वाकई क्या सुना रहे हैं, चूड़ियाँ भी हैं, मेहंदी भी लग रही है, तो एक चूड़ी पे गाना है उसी में, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना सुनाए, हाय में हो गई जो घर के हाथों में, अरे चूड़ी जो घर के हाथों में, चूड़ी जो घर के हाथों में, याद पिया की आने लगे हर भीगी भीगी रातों में, याद पिया जो महके हाथों में, मेहंदी जो महके हाथों में, याद पिया की आने लगी हर भीगी भीगी रातों में, याद पिया की आने लगी हर भीगी भीगी रातों में। शुरू कर दिया है, इतनी खुशी। अपने लड़कपन में नहीं, अपने दोस्त की चूड़ी की दुकान पे चले जाते थे और हर लड़की का हाथ पकड़ के चूड़ियां पहना रहे होते थे। इतनी खुशी आज तक मुझे नहीं हुई। कितनी लड़कियों को पहनाती चूड़ियां? अभी दूसरी लड़की की बारी है। अच्छा, आप यकीन करें, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं चूड़ियां पहनाऊं कभी। अच्छा, आज वो ख्वाहिश आपके सर पहनाइए पहनाइए पहनाइए। और वो जिनका आप हक मार रहे हो बड़े गुस्से से, आप ये देखो 5 मिनट पहले मैंने दुआ की कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, एक तो हो गई। सही है जी। अच्छा जी, जब तक ये दानिश चूड़ियां पहना रहे लड़कियों को, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। और कुलसुम हमारे साथ मौजूद है
और मैं एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि आज रात चांद रात से ईद के तीनों दिन तक स्पेशल एपिसोड जकरिया और कुलसुम की आप देखेंगे, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, कसाई, गोश, लड़ाई, झगड़ा, शॉपिंग है और सब कुछ, हमेशा नाकामी नाकामी नहीं। बेचारा एक हमारे घर में एक फकीर आता है भीख मांगने, वो एक दफ़ा बेचारा गोश्त ले आता है। तो कुछ दो के नहीं, तुम लोगों ने कंफर्म किया कि वो गधे का तो नहीं, नहीं गधे का नहीं था क्योंकि मसला ये कि एक गधा दूसरे गधे का गोश्त ला नहीं सकता। ये अच्छी बात, इस बात पे गारंटी के तौर पे हमने बोला नहीं ये बकरे, बहुत अच्छी बात की। अच्छा जी, हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद, हमने बताया था कि एक्सप्रेस फैमिली की ई चांद रात मना रहे हैं आज हम, और सारे एक्सप्रेस के लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, एक्सप्रेस फैमिली के लोग। उसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग जो यहाँ पे काम करते हैं एक्सप्रेस के अंदर, जो लोग होते हैं जो यहाँ पे जॉब्स करते हैं और उनके साथ जो लोग काम करते हैं वो एक फैमिली की तरह होते हैं। तो आज हम ये दिन मना रहे हैं एक्सप्रेस फैमिली के साथ। तो जकरिया कुलसुम की लव स्टोरी के दो मज़ेदार कैरेक्टर हमारे पास मौजूद हैं, जकरिया और कुलसुम। अब बारी है, यही है जिंदगी के एक्टर्स को बुलाने की। तो सबसे पहले मैं आपकी बहुत सारी तालियों बुलाऊंगी, शबीर राणा। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ यही है जिंदगी में नहीं है, ये जकरिया और कुलसुम की लव स्टोरी में भी घुसे हुए। इनको बीच में, इनको बीच में बिठाएं और खवातीन की परेश से दूर रखें। और जी, यही है जिंदगी में एक, ये एक नया इजाफा जो हुआ है, उनको हम बुलाएंगे। ड्रामे में तो उनका नाम नन्नी है, लेकिन आप देख के उनको बताएगा कि वो कितनी नन्नी है। आपकी बहुत सारी तालियों में हिरा शेख। मुकाबला सख्त। और हीरा। हाँ जी, और कौन कौन लोग तैयार है पीछे हमारे पास, जल्दी बता दे जरा। बड़ी भारी प्रोडक्शन चल रही है। हैं? क्या कह रहे हैं? भारी प्रोडक्शन चल रही है। हम दोनों तरफ है ना जी। और जी, यही है जिंदगी के हीरो, आपकी बहुत सारी तालियों में वकास खान। दो हीरो आपस में गले मिल रहे हैं। किंग ऑफ डब मैच। कंदील बलोच की मेहरबानी से आज ये स्टार। अच्छे लग रहे हैं यार। इज दिस राज। तशरीफ रखिए। बैग क्यों दिखा रहा है? तशरीफ रखिए। जीते रहें, जीते रहें। अच्छा जी, और अब जिस यार एक ही दफा खड़ा कर दो यार। हैं? एक ही दफा बता दो, हम खड़े ही रहते। नहीं, आप बैठे रहे। नहीं, नहीं, मैंने कहा था कि आज एक खास गेस्ट, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे पास मौजूद है, उनको मैं बुलाती हूँ आपकी बहुत सही तालियों में। यही है जिंदगी की प्रोड्यूसर जन्नत सूद। जन्नत, उसको जानते हैं आप बच्चे को? ये आपकी ये यानी के जन्नत प्रोड्यूसर है यही जिंदगी की? जे जे एस। क्या कैसे देखती हैं आप ये सारी प्रोडक्शन? जन्नत, ये लो माइक। जन्नत, ये चश्मा भी पहन लो, प्यारा लगेगी। नहीं उतारूंगा ये आज। ये सुबह से पहन कर आया है। इसका लोगों को पता चले कि लोगों को पता चले कि इसकी नजर बुरी है, इसलिए जल्दी से उसने चश्मा लगा लिया। नहीं, बाल आया, बाल सोया था। भूल ना साइड माइक लो जी। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ मैं पूरे शो पे नहीं उतारूंगा आज। वो मिकी माउस से लेके आए हो चश्मे? पैसे खर्च किए ब्रांड पे, इसलिए। ओए होए होए होए, पैसे खर्च लिए हैं इस कंजूस ने भी। असल में ऐसे ऐसे चश्मे उस वक्त मिलते हैं जब एक छर्रे की बंदूक से दो गुब्बारे फाड़े जाएं। जन्नत, आप भी कुछ कहिए प्लीज, मन उतावला हो रहा है आपकी सदा सुनने के लिए। जन्नत क्या कहेंगे आप? जन्नत खुदाफिज कह दो। ईद मुबारक कह दो सबको कि ईद आ रही है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। वाह वाह भाई, बड़ी मुश्किल से जो है मेरी बेटी ने।
अच्छा जी हीरा आपको कैसा लगा हमारे साथ काम करके? क्या सवाल है भैया? मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा और काफी टाइम बाद आपके साथ, क्योंकि मेरा तो पहले दफा स्टार्ट जो हुआ था वो आपके साथ ही था और अब आपके साथ काम करके और अच्छा लग रहा है। हाँ, ये कैसी मोहब्बतें में थी ना? बिल्कुल। लेकिन हालांकि हीरा जैसे अदाकार अक्सर खाने पे खाने की तारीफ करते सेट पे। लेकिन हीरा कहिए कि हीरा ने बड़ी मेहनत की जी जी, जी। और हीरा यहाँ तक पहुँची क्योंकि हीरा ने जिस तरह से काम स्टार्ट किया था वो मेरे सामने की बात है, मेरी ही ड्रामे में थी। और कहते हैं कि अचानक से कोई छोटा मोटा रोल करते हुए ऊपर बढ़ जाए तो उसमें उसकी मेहनत होती बेशक, बेशक, है ना, कि कोई कोई बैरूनी हाथ बैरूनी हाथ अंदरूनी हाथ अल्लाह का शुक्र अंदरूनी और बैरूनी दोनों से महफूज। शब्बीर साहब आप तो दोनों ड्रामों में, आप क्या कहेंगे? भाई आपके ड्रामे में तो मैं हूँ इस शख्स ने मुझे मुर्दा बना दिया। असल में खवातीन की पुरजोर फरमाइश पे मैंने इनको कमरे तक महदूद रखा। और अक्सर ही आके बीच बीच में कहते हैं यार कभी कमरे से बाहर तो निकालो, मैंने नहीं इज्जत नहीं, आप कमरे में रहेंगे आएंगे चुटकी बजा के। और मुझ पर मुसल्लत कर दी है जुब्बी को, जुब्बी। अच्छा भाई हमारे ड्रामे में ना ये हैदराबादी बोल रहे हैं। अच्छा पूरी फैमिली इनकी नॉर्मल है, ये खुद हैदराबादी है, कोई भी कोई बच्चा कोई बेगम इन पे नहीं गई, ये खुद अकेले हैदराबादी हैं। कोई फिल्म देख के फैन हो गए। और इनका तखल्लुस है गोल घुमा के गोल घुमा के। चलिए मैं चाहूंगी कि आप और ये आप जकरिया, मैं जकरिया और ये अलीमुद्दीन, ये दोनों मिलके बकरा लेने गए हैं और दोनों का एक ही नहीं, दोनों अलग अलग बकरा लेने का, एक बकरा पसंद आ गया। अब दोनों आपस में लड़ रहे हो, कह रहा है मैं बकरा लूंगा, वो कह रहा है मैं लूंगा। अब दोनों अपनी काबिलियत और मैं बकरा बुलाना चाह रही हूँ। मुगल इधर आओ, मुगल ये गले से उतार के इधर आओ, मुगल इधर आओ, तुम इधर आओ, ये उतारो गले से, ये उतारो गले से, उतारो ना। क्या हो गया, ये कौन है? ये बकरा है। इधर आओ, ये देखकर आओ, ये देखकर आओ, मैं कह रही हूँ देखकर आओ यार, एकदम चले जी आइए। हाँ जी आ जाए, आप वहां से एंट्री मारे। अच्छा बकरे को साफ कर रहा ये मिंजा मोला। हा हा हा, क्या तो भी बोलते हैं, क्या तो भी करते हैं, कुछ तो भी करेंगे, क्या तो भी होगा। अरे बेचता क्या मेरे को? हाँ हाँ बिल्कुल बेचता हूँ। कितने को मिलेगा? 2.5 लाख का। क्या बोल रहे तू रे? हाँ अरे भाई भाई साहब। ए भाई क्या हुआ? मेरा बकरा खरीदा नहीं आपने। भाई तो बेचने के लिए रखा है या तू इसको शोरूम में लाके घर पे रखेगा? चले देख ले देख ले देख ले देख ले। इसको देखूं क्या? तेरे को देखूं? नहीं नहीं बकरे को देखते तो दे भाई, ख्याल रखना मैंने बहुत बड़ा डाकू है। अरे चाचा तुम तो चुप कर जाओ, उनको तो देख ले। मसाला मसाला बगैर गोश्त के बकरा। ए भाई वाह भाई, एक्सरे तो देख लिया, अभी असली बकरा तो देखा तो नहीं, नहीं असली है, इसमें से इंशाल्लाह 8-9 मन तो गोश्त निकल जाएगा। ए भाई खून निकलेगा या गोश्त निकलेगा ये बता। एक बात तो मैं बता दे मेरे को जी, एक बकरा है ना तुम्हारा, कितने दांत हैं इसको? दांत तो 32 है इनके। अरे 32 ना कहो मेरे को, मेरे को दो दांत वाला होना, दो दांत वाला तो बाकी तोड़ देंगे, दो छोड़ देंगे। बहुत आला बहुत आला। अच्छा भाई जान कितने का बताया आपने? 2.5 लाख का। 2.5 लाख मेरे को 250 रुपए में मंजूर है, बताओ। अच्छा बताओ कितने? 4 उसको भेज रहा तू। 2.5 लाख एक। भाई बात सुनो, 15,000 पे देंगे, अभी 15,000 का हिसाब किताब चल रहा है, खामा खाब क्यों इतने सादा पैसे? यार भैया ना आपके ना मेरे दो में डन करो बस। 2,000 डन। 2,000 नहीं भाई साहब, 2 लाख उसके। ए भाई मूछे निकलती है उसकी। ए भाई तू क्या बेच रहा है, पहले ध्यान से देख तो ले अपनी चीज को। अरे 2 लाख मांग लिए तूने, तू क्या कर रहा है भाई? नाश्ते में पराठा खाते हैं, पराठा। भाई ये तो नुकसान हुआ ना, नाश्ते में पराठा खाता है, भात खिलानी है। एक बात बताएंगे मेरे को? आजकल गधे में और बकरे में कोई फर्क ना को मेरे को महसूस होता, इन्हों कौन है? गधा तो नहीं है। चाचा आपको लेना वेना नहीं है मुझे लग रहा है, भाई साहब आप लेने वाली पार्टी लग रहे हैं। भाई जान मेरी तरफ से डन है, अब बताओ चेक दूं के क्रेडिट कार्ड दूं? 2 लाख बड़ी अमाउंट है, चेक दे दें आप। 2 लाख? ए भाई 2,000
ए भाई तेरे को क्या हो गया, पाकिस्तान में बकरा बेच रहा है ना तू? चलो यार भाई बहुत हो गई 20,000। यार तू खुद कभी बकरा मंडी नहीं गया भाई? जरा टाइम निकाल के दूसरे भी देख के आ, बाकी लोग बकरा ऐसा करते हैं ना, तुम ऐसा करो इसको अभी आधा काटो, आधा मेरे को दे दो, आधा तुम ही लेके जाओ। ठीक है, आधा आपका हुआ। ऐसा करो डिवाइड थोड़ा ऐसे करते हैं कि गर्दन और पीछे के दो टांग आप ले जाओ, बाकी मेरे को। ठीक है भाई, तो अभी बताओ आपका नाम क्या है? चाचा अलीमुद्दीन को बोल दे मेरे को। अलीमुद्दीन आपकी इतनी उम्र हो गई है मसाला, आपने बहुत बकरे काटे होंगे, ये वाला छोड़ दो। मेरा कितनी उम्र, तुम क्या बोले मेरे को? ए भाई आकर बकरे भी इंसान होते, ऐसा नहीं करो, अगर यकीन नहीं आ रहा तो देख लो। चलो मैं ले लिया चाचा, आपका बहुत शुक्रिया चाचा। सुजुकी का किराया तो दे दो, तो बकरा लेते तो सुजुकी में लेके जाते ना। चलो ठीक है, आप बकरा लिए, इसके सिरी पाए मेरे को होना, मैं आपको दे दूंगा सिरी भी दे पाए भी। ठीक है, बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, दो और मेहमान हमारे तैयार हैं, लेकिन हम उनको बिठाएंगे कहाँ? अरे हम खड़े नहीं, वो ले लो बकास, वो ले लो जनरल, आप मेरे पास आ जाओ बेटा। अच्छा जी, यही है जिंदगी में नो प्रॉब्लम, एक हमारा बहुत ही मेन और स्पेशल कैरेक्टर, जो कि बैठ जाओ जान, बैठ जाओ, हाँ बैठ, इधर बैठ जाओ, इजी हो जाओ। सबसे मेन और स्पेशल कैरेक्टर जो हमेशा ये कहती है कि भाई किसी और के सीन नहीं करने, क्या सुबह से मुझसे ही सीन करवाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा अम्मा बनी है तो भुगते हैं, क्योंकि माओं के ऊपर सारा बोझ होता है ना, घर का भी, तो यहाँ पे भी ड्रामे का सारा बोझ अम्मा पर ही है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बहुत ही प्यारी हुमैरा अली। और जी जगह बना, हाँ बैठ जाए, मैं जगह बना ही लूंगी, कुछ नहीं होता, दिल में जगह होनी चाहिए, लोग दिल में होनी चाहिए जगह। अच्छा उनको बरादरी। अच्छा जी, एक और यही है जिंदगी की फैमिली की, एक और हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, बहुत ही पुरानी, और जब उसने काम शुरू किया था तो मेरे साथ ही सबसे पहले हम लोगों ने एक साथ काम किया, और आपने बहुत सारे ड्रामों में उनको देखा है, बहुत उनकी स्माइल बड़ी प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत, आंखें बहुत हंसती हुई हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में नाही शबीर। अच्छा मजे की बात तो देखिए, अगर ये आ गई ना तो हम दोनों नीचे गिरेंगे, सोफा भी साथ गिर, बस देखिए ये मोहब्बत देखे आप, सोफा हटा दे तो आ सकती है, सोफा हटा ले तो आ सकती है। आज कौन सी सबक नंबर और मश्क नंबर क्या? वैसे पता है क्या हमें करना चाहिए कुछ, दोनों कैरेक्टर्स को मिला देना चाहिए किसी दिन, बिल्कुल। और कैसे लगोगे तुम? तकरीबन हर ड्रामे में सोचा जाता है लेकिन कभी होता नहीं, होता नहीं, हमने दादी में भी सोचा था, याद है, हर दफा हुआ है। और नाइट आप कैसी हैं, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, रिकॉर्डेड नहीं यार, अभी आदत हो गई, इतने रिकॉर्डेड शो में जाके ये कह के आदत हो गई है कि यार ईद है, ईद के दिन माशाल्लाह मैं सुबह सुबह उठा, मेरा बकरा मुझे यूं देख रहा था, मैंने बकरे को यूं देखा, ये अक्सर की बात है। अच्छा दो तीन शोज में तो मैं बारबेक्यू भी खा चुकी हूँ। अच्छा हाँ, ईद को जो ईद को ऑन एयर है ना, उसमें मैंने दो तीन दिन पहले बारबेक्यू सारे सब बकरे, रमजान वाली ईद से पहले शुरू हो जाती है ना, फिर रमजान वाली ईद में भी लोग खा लेते हैं वाकई। अच्छा इनका नाम जो है वो ड्रामे में मुन्नी है, बहुत मशहूर, वो नन्नी है और ये अम्मी है, ये हमारी खाला जान है, ये हमारी खाला जान है जी, और ये नई हमारी ड्रामे में एंट्री हुई है बहनों की, होगी अभी आगे जाकर, और ये
तीन बहनें हैं और तीनों कुछ ना कुछ करने के लिए हैदराबाद से कराची आई। तीनों बहनें नन्ही 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 मुन्नी चुन्नी और चौथी बहन है अठन्नी। अच्छा चुन्नी कहाँ है? चुन्नी है, चुन्नी कौन है? चुन्नी नहीं आई। आपका क्या कैरेक्टर है? चुन्नी लाहौर चली गई है। आप अपने ड्रामे में हसीना है? हसीना हसीना मैं इनकी बेटी। अपना नाम हसीना रख लिया इन्होंने। इनका नाम है नयन तारा। नयन तारा और इनकी एक बहन है चांद तारा। सुत्तल पॉज के बाद कि सही लफ्ज निकले, बड़े पॉज के बाद नाम लिया। महिमा गर्ग ने किया है। अच्छा, वो है चांद तारा जो मेरी साबिका बीवी थी, मैं तलाक दे चुका हूँ। भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं इस बात में। बार बार बताया साहब का बीवी में तलाक दे चुका हूँ, आप क्या समझ रहे हैं भाई? कुछ रियल स्टोरी से मुशाबा। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। सतरंगी में हम मना रहे हैं आज चांद रात और सतरंगी रंग देगी जिंदगी। सीना बाला हो या ना, पर तेरी जिंदगी भर नहीं होगी। मुझे नहीं थी जिल्लत की जिंदगी, मुझे मर जाने। तुम्हें भी याद है ना कि मेरी भी एक शर्त होगी। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा इस घर से, भाग जाऊंगा। प्यार तो दिल बहलाने के लिए होता है, इससे पेट नहीं भरता। शर्म नहीं आती आपको? मोहब्बत उन्हें आपके दोस्त। मोहब्बत इंसान को खुद गर्ज बना देती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुमने कहा था ना, अपनी बहनों की खुशियों में खुश हो जाओ। बहुत खुशियाँ बनाई मैंने अपनी बर्बादी की। यही है जिंदगी। कुलसुम और यही है जिंदगी की कास्ट की फैमिली कहूंगी मैं तो बैठी है। और एक और हमारे ड्रामे में नया इजाफा है, उनको मैं बुलाऊंगी। बहुत सारे इलाकों में होती हैं एक रिश्ते कराने वाली आंटियां जो इधर की उधर भी बहुत करती हैं और उल्टे सीधे बेजोड़ रिश्ते कराती हैं कि बस हमारी फीस हमें मिल जाए, अल्लाह मिसेस खान ना देख रही हूँ। और उनका नाम हमने ड्रामे में मिसेस खान ही रखा है। तो जी बहुत सारी तालियां बुलाऊंगी परवीन को, आइए जी। चलूं कि ये सामने जो है वो मेहंदी लग रही है। अच्छा। वो सामने जो है वो चूड़ियां हैं, जिसने चूड़ियां लेनी है वो चूड़ियां ले ले। इन्होंने तो मेहंदी दिखाओ जरा, उरुसा मेहंदी अपनी। ये उरुसा की मेहंदी यूं ही रखना, भी यूं ही रखना। हाँ ठीक है बाजी। हाँ अभी लगवाई है बाजी। बाजी क्या लेंगे? आप भी शक्कर जा रही हूँ लड़कियों के लिए मेहंदी चूड़ियां और लड़कों के लिए लड़कियां। सॉरी शब्बीर भाई सॉरी। लड़कों के लिए लड़कियां, लड़कों के लिए आई एक्सेप्ट ओके ओके कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। लड़कों के लिए बाहर केबिन लगवाइए, सिगरेट पी के आते हैं। हमेशा गलती का बात करना कभी अच्छी बात ना है। अच्छा जी आप कुछ कहेंगी? मैं तो ये कह रही हूँ वो हर जगह ये कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, दो तो कर चुके हैं, तीसरे की नहीं। वो असली नहीं, वो वैसे कह रही हैं ड्रामे के अंदर। नहीं मेरा मकसद ये है। घबरा गए ना, सबके ड्रामे में भी ये रोल है। सच बोल दिया, मैं किसी भी खातून को कुंवारा नहीं छोड़ना चाहता। नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, वो जो कैरेक्टर आपने रखा है जी, मैंने उसे तलाक क्यों दी? क्यों? अरे एक तो तोतली थी। अच्छा मजे की बात यार, वो तोतली की आप कौन से रणधीर कपूर हैं? दानिश तोतली को छोड़ के हकली से शादी की है मैंने। अब मेरा इरादा किसी गूंगी बहरी से करने का है। ओहो ये किस इरादे मजबूत है भाई। आपके पास है कोई गूंगी बहरी का रिश्ता? बात सुनिए, आप तो जो है ना चार पूरे करेंगे, मैं समझती हूँ कि पांचवी भी। अच्छा आप मेरी बात सुनिए, माफ कीजिएगा, मैं पांचवी पहले कर लें, जाति सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपकी शादी हो चुकी है? आप शर्मा तो रही है जवाब। वैसे आपने चेहरे पे जो चश्मा चढ़ा रखा है, चढ़ा रखा है, उसमें हर खातून आपको कुमारी लड़की ही नजर आ।
भाई मैं बड़ा दूर अंदेश आदमी हूँ जी जी, हर चीज को परख लेता हूँ। मैंने आपने बात में कोई चीज परखी है? मेरे ख्याल से आप इधर आ जाए, मैं तो ये कह रही थी हम चलते हैं फिर। हाँ, हाँ, दोनों दोनों मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप इन दोनों को कहीं साइड पे कॉफी की टेबल लगा क्यों आगे बढ़ जाते ना। नहीं तो फिर उसमें एक कैंडल भी होना चाहिए। बस कैंडल बुझी भी होगी लेकिन इनकी हसरत देख ले अंदर की, अभी दो के बाद भी ये हाल है। अच्छा जन्नत आपने मेहंदी लगवानी है, जाओ जाओ शाबाश यहाँ पे बैठो मेहंदी लगाओ, पका जरा बिठाना प्लीज। हाँ बेटा। और जी हम आपको दिखाते हैं यही है जिंदगी का एक प्रोमो, दिखाइए जी जल्दी से। अम्मा ये दोबारा। कोई भी अपने दिल में कोई गिले शिकवे ना रख, क्योंकि जब ईद पे गले मिलते हैं तो सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते। चाचा गलत मत जाइयो ना, मैं तो पूछ रहे हूँ कितने टुकड़े करने, 16 करने, 32 करने, किस हिसाब से काटू, तुम तो गलत निकल ले दो। कमाई का दिन है, कमाई के दिन जाके बकरे काट, चल हमारे इधर होगी कुर्बानी, बुला लेंगे, निकल ले शाबाश। अबे चुन्नी हूँ मैं, आपने तो मेरी आंखों में मेरे दिल में कब से बसेरा कर रखा है बालम। यही है जिंदगी। ऑल ऑफ देम लुक वेरी प्रिटी। नादिया सादिया गफ्फार ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। क्यों आपको सादिया गफ्फार नजर आई है बस? नहीं सादिया गफ्फार भी नजर आए, सादिया इमाम भी नजर आए। नहीं वो अच्छी बात है हमारे साथ। नहीं नहीं आप अच्छी लग रही ना। नहीं नहीं बहुत सारे और भी लोग हैं नाइन के अलावा भी, बहुत सारे लोग हैं। बड़ी डरी डरी सी आवाज आई। मैं भी हूँ। अब डर के ना बोले आप ज्यादा। किनका भाई? मुझे लग रहा है शो सिर्फ दो पे ही आएगा। भी आ गया सब, ये दो के आठ करके जाएंगे। वाह 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 क्या बात है। काशिप भाई इधर आ जाए, कोई अच्छा सा गाना गाए रोमांटिक और हम परफॉर्म करवाएंगे शब्बीर अंकल से और शब्बीर साहब से। ओ कौन सा गाना है, कौन सा लगाए तो हंगामा, गाना तो बता दे। नहीं नहीं कोई जोरदार गाना नहीं चाहिए मुझे अभी, डांस टाइप का गाना है, डांस कोई हल्ला गुल्ला। इस वक्त किशोर दा की पार्टी शुरू हुई। पाकिस्तानी तो ये गा रहे हैं, मतलब किशोर दा की आवाज में सुना। हाँ जी कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में चलो ये भी वादा है। हाय हाय
सोचा है तुमने कि कुछ गुनगुनाए, मस्ती में झूमे जरा धूम मचाए। सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाए, फूलों से होठों की नरमी चुराए। और नाना आए नाना ये ना करना, और नहीं रे 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 नहीं रे। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है जो बोलो शबीर भाई के दिल की आवाज। शबीर भाई लग रहा है बैटरी फुल चार्ज करके एक काम करते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये वो परवीन है जिसे सीधा चला नहीं जाता। इनकी इनकी शूटिंग सुबह में ही क्या कर रहे हैं आप? और जिस दिन शबीर साहब घर पे हो मतलब शूट पे हो तो बहुत अच्छी हो जाएगी। घर पे क्यों बोल रही है? मतलब आप घर लोकेशन भी घर ही होता है। हां मैं सा मेरे घर बुला रही है करता है। ये जो इन्होंने डांस स्टेप किया इसका पता इनको 12 बजे के बाद चलेगा जब जिस्म में दर्द शुरू होगा। लेकिन परवीन आपके इनके बारे में बताते चलूं कि ये स्टेज पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम होस्ट भी कर चुकी हैं, शायरा भी हैं माशाल्लाह से। कोई अपना शेर तो सुनाए इनके लिए। अच्छा शो के बाद, शो के बाद। जख्मों से भरता तो बात थी। वाह वाह। जख्मों को सोज इश्क से भरता तो बात थी, तो दर्द बन के दिल में उतरता तो बात थी। लेते हम भी जमाने की जरूरतें, फिर देख लेते हम भी जमाने की जरूरतें, रुसवाइयों से तू जो ना डरता तो बात। वैसे वैसे ये जो है ना ये दर्द बन के ही दिल में उतर सकते हैं, इसके अलावा कोई राह नहीं है इनके उतरने की। वैसे ये भी शेरो शायरी करते हैं, अगर आप भी कुछ जवाब में कुछ बता दीजिए तो बड़ा मजा आएगा। मैं क्या बताऊंगा जवाब में, बहुत दिल पे लग गई है भाई। नहीं दिल पे तो ऐसी लगी। अच्छा सा जवाब, अच्छा सा। नहीं उनको 12 बजे के बाद वाला टाइम याद आ रहा है। हां जी आमद हो रही है इस उम्र में, ऐसी होता है हफ्जा कमजोर हो जाता है। अच्छा जी मेहंदी का क्या हालात है? वाह वाह जरा शेर भी आ रहा है। दवाई कितनी खूबसूरत मेहंदी लग रही है मेरी बेटी की। हुआ जो दर्द सर में तो खाई हमने दवाई, फिर सर दर्द का और फिर जो ख्वाब में जूता लेके वो आई, जो फिर बेगम ने दूसरे दिन सुबह सुबह लगाई पिटाई। दोहाई है दोहाई है दोहाई है दोहाई। क्या शेर बना है हम तुम्हें, ये लो लो चोरी ये तो चोरी है। हमारा सही लग रहा है आज मौसी। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। गम ने मारा है और जिंदगी में, गम ने मारा है और जिंदगी में, प्यार के हम सताए हुए हैं। इश्क में हम रुख पे लाली लगाए लगाए, रुख पे लाली, रुख पे लाली लगाए लगाए, मुँह पे गाजा छिपाए छिपाए, रुख पे लाली। ऐसे आए हैं मैयत मेरी, ऐसे आए हैं मैयत मेरी, जैसे शादी में आए हुए हैं। बताएं हाँ अब्बा
में मैं क्या कर रही थी इसलिए अम्मा भाई देखो बात सुनो शुगर की जो चोट होती है वो जल्दी सही भी नहीं होती अच्छा जी वैसे तो बड़े इसको कौन बताया मेरे को शुगर है आप इतनी मीठी बातें कर रहे हैं क्या तो भी बोल रहे हैं तुम भी कुछ तो भी बोल रही हो क्या तो भी होगा आई कई को ऐसे बातें कर रहे चुप बैठे रहो ज्यादा बोलेंगे तो यही ढेर हो जाते अच्छा जी जब गाने गाने थोड़े बड़े हो रही है हो ही रहे हैं तो असल जो हमारी यहाँ पे उससे गाना क्यों नहीं सुना जाए ना इतनी बुरी शक्ल ना बनाओ ना ना यार ऐसा गाना सुनने के बाद तो आपको खुद गा देना चाहिए शब्बीर भाई ने आज अपना सारा टैलेंट दिखा दिया दो घंटे के शो में माशाल्लाह यार सुबह सुबह आवाज नहीं सही होती कोई बात नहीं बुरी आवाज में भी सुबह हर दिन का क्यों कहते हैं हल्का सा गुनगुना आगे उसको थोड़ा सा सहारा मिले आप ऐसा करें आप तारिक अजीज की बात परेशान क्यों है जागती आंखों बोलते कानों जागती आंखों बोलते कानों जी अच्छा सा जो आप सुबह अच्छी हो बहुत मजेदार सा आपका वही आप दिल बनाते रहते हैं दुपट्टा बनने लगी थी मैं दुपट्टा बनने जा रही थी बिस्मिल्लाह के बाद जी जी चलिए जी आप ऐसी क्लिप ना बनाए जो बाद में इंटरनेट पे चले जी वैसे वकास मैंने समझा था कि तू है तो दरक्षा है आया तेरा दम Mm-hmm.
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना थैंक यू बहुत सारी तालियां और इस खूबसूरत सी आवाज और खूबसूरत से गाने के साथ देंगे एक छोटी सी ब्रेक. देखते रहिएगा सतरंगी सतरंगी रंग देगी जिंदगी. प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं और हम मना रहे हैं आज दिन के वक्त चांद रात. आप चूड़ियां शूड़ियां कोई आ जाओ. हुमेरा चूड़ी नहीं दिल है. आ जाओ तुम भी आ जाओ. हेरा चलो चलो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नहीं मैं आपको हमारे कहाँ जा रहे हैं आप? सभी राणा को अकेला छोड़ आप आज आपा नहीं लग रही. आप आज मुझे आपा नहीं लग रही. आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं. इतनी स्मार्ट तैयार होकर कर्ल करके आई हूँ. कर्ल करके हाँ जी मेरे साइज की तो चूड़ियाँ हो. अच्छा आप देख तो ले चूड़ी दे रहे हो देने वाले से देख लें. हाँ भाई बताओ कौन कौन सी चूड़ियाँ इन लोगों ये सारी बताओ कौन कौन सी वाली खरीदना पड़ेगी या हमारे नहीं नहीं आपके लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से. थैंक यू सतरंगी की तरफ से गिफ्ट है आपको. हाँ भाई बताओ कौन कौन सी चूड़ियाँ. अच्छा मेरे तो अपने सूट के हिसाब से देखिए ये दुल्हन चूड़ी ये रोशनी चूड़ी दुल्हन चूड़ी है दुल्हन चूड़ी इतना छोटा सा चूड़ी मैं ले लूँ ना इसका मतलब है यार ये पता कर रहे हैं छोटा ही है या नहीं. तो कह रहे हैं पूछ चुकी हूँ पूछ चुकी हूँ. बच्चा कह रहा है ये दुल्हन चूड़ी. मैंने कहा फिर मैं ले लूँ जरूर दुल्हन चूड़ी. दो बेटा ये जो सेट बनी हुई है कैसे दे रहे हो मेहंदी तकरीबन एक एक लगा दो पूछ रहे हैं ये सारी वैसे ही है. अच्छा मेरी आएगी नहीं कोई भी चूड़ी. हाँ कौन सी नहीं साइज है भाई जरूर लूंगी. मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है बहुत अच्छी चूड़ी है. मुझे भी दे दो भाई कोई अगर मेरे कपड़ों के मैचिंग की नजर आ रही है तो मुझे ये अच्छी लग रही है. कौन सी ये वाली अच्छी लग रही है जवेरी ये बहुत अच्छी है. हाँ ये मुझे भी ये तुमने शायरा साथ बिठाई हुई हर बात में चूड़ी कहलाती है. गाना एक ये वाला दिखाओ ये सेट ना मुझे ये भी प्यारा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. हाँ ये भी ये ऐसे ही है ना मैचिंग का है कुछ ये छोटा है लेकिन ये जो है ये कौन सा है ये वाली अच्छी है. चलो ले लो इनका प्यार पहन लो ना अच्छी लग रही है पहन तो अभी पहनती हूँ ये बट जाता ना हमारी बारी पे बनाने वाला कोई नहीं है. क्या टेंशन है दानी हमारी बारी में पहनाने वाला कोई नहीं है. हम खुद ही पहन रहे हम खुद ही पहन रहे हम लोग खुद ही चूड़ियां पहन रहे दानिश पहनाओ चूड़ियां आके. हाँ भाई तुम्हें आती है चूड़ी पहनानी. तुम्हारा नाम क्या है कोबरा कोबरा तुम्हारा नाम क्या है लाइए कोबरा मुझे ये लो क्या हाँ वासिक वासिक मेरी तो बनी सी वाह वाह भाई काशी भाई कोई फास्ट तरीन गाना सोच ले. वासिक तुम्हारी उम्र क्या है. अबे देर ना यार इसी में पहननी है. और क्या सारी चूड़ी आएगा आपसे. हाँ आओ ना दानिश बिल्कुल ही हुआ है. दानिश को चूड़ियाँ बनानी नहीं आ रही है. शिवा सुना दो. दानिश क्या कर रहा है. साबुन चाहिए चूड़ियाँ जी नहीं ये देखो ये कह रहे साबुन चाहिए. ये ऐसे पहनते चूड़ियाँ ये आ गई चूड़ी ये देखो ये देखो वाह मैं इतवार बाजार में चूड़ियाँ बना दूँगा. ये अभी मुझे कोई छोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि मेरी आज जन्नत लगी मेहंदी सारी अंगूठियाँ भी यहीं से ली आपने भाई. जन्नत की मेहंदी दिखा दो जरा जन्नत की मेहंदी दिखा दे जरा. ओए हाय मेरा हाथ लग गया जन्नत. बाजी बेसन तो ला के जाओ बाजी बेसन तो ले जाओ उधर चूड़ी का नहीं मांग रहा हमने पिलाया ये जन्नत अभी यहीं फंस गई है. बता देती हूं आपको जन्नत की उसको मेरा हाथ ही लग गया मेहंदी का सही हो गई ना. क्या भाई जन्नत ऐसे दिखाओ ये देख किस तरह ऐसे कैसी लग रही मेहंदी. बहुत अच्छी मेहंदी लगाई जबरदस्त वाह 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 वाह
जिनत आप इधर आ जाओ। आशा भाई मेहंदी लगवानी है? थैंक यू। हीरा मेहंदी लगवानी है? आ जाओ। किसी को मेहंदी लगवानी है भाई? पापा लगवाएंगे मेहंदी। इस तरह का नहीं कह रही थी मेहंदी का ना, तुमने नहीं मेहंदी लगवानी है? वहाँ आना पड़ेगा, वहाँ आना पड़ेगा। चूड़ी वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेहंदी आ जाएगा ना, तो ले 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 ले। आ जाए आप, आ जाए। आपको भी चूड़ियाँ चाहिए ऐसे? आप क्या चूड़ियाँ पहले पहुँच गए? शर्म करे, औरतों का भी मुकाबला नहीं। चूड़ियाँ लेने आ गए कह रहे हैं, चूड़ियाँ लेने भाई। शबीर साहब ने सोचा कि वैसे मैं हाथ पकड़ सकूं या ना पकड़ सकूं, मैं चूड़ियां ले लेता हूं ताकि चूड़ियां पहना दूं। है भाई, बाजी आपके बंदों से मैच कर रहे हैं। और वाकई लग रहा है कि हम किसी मीना बाजार में आए हुए हैं। इतना शोर शराबा हो रहा है, मीना बाजार में आए हुए हैं। देख लो आपके झुमकों की मेकिंग शुरू हो गया। असल काम वाकई पापा आप ये क्या कर रहे हैं? पापा कपड़ा कुछ राय ने मेरे लिए करने का सारा तुमने कर दिया। पापा हम यहाँ लोगों को अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपकी ठरक खत्म ही नहीं हो रही पापा। आपकी वजह से हम लोग तारक रोड से सुपर हाईवे शिफ्ट हो गए। आप हैं कि आपकी ठनक जा ही नहीं रही। आइए बाबा, इन्नू रहते थे भाद्रबाद में, भाद्रबाद में रहते रहते इन्नू हैदराबाद का लुई पहुंच गया ना जी। सब आपकी वजह से हुआ, मेरी वजह से ना। कोई गाना होना चाहिए मेरे को, नक्को इल्जाम दो जी। तुमने मेरे को बर्बाद कर दिए। ये इसने लंबी लंबी बातें करके इनको फंसाया। चले भाई, गप्पे के लोग चूड़ियां पहन रहे हैं, गाना होना चाहिए। अरे यार, ये वो कपल आ गया जो जवानी में अपनी किताबों में पुराने गुलाब के फूल रखा। मैं तो भाई अभी भी जवान। काश भाई आ जाए। अच्छा चले ठीक है, करिए। अरे भंग का रंग चढ़ा हो चका चक, फिर लो पान जबा। अरे ऐसा झटका मारे जिया पे, पुनर्जनन हो जाए। हो खई के पान वाला, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अखल का ताला। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अखल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सब की ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा किनारे वाला। वो खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा तेरे तमाल, सीधी करते सब की ताल। वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला। वो खई के पान बनारस वाला, जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया। आए आए आए, कहाँ जान फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया। आए आए, मैं कैसा सीधा साला, मैं कैसा भोला भाला। हा हा, मैं कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन गली में पड़ गया, पड़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से, मीठी छुरी से हुआ हला। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी करते सब की
वाकई लग रहा है कि शाम का होना चाहिए, वाकई लग रहा है कि ईद है। नहीं रात को 10 बजे शायद चलेगा ना, रिपीट में शाम भी हो जाएगी। वाकई कल ईद है। एनर्जी ड्रिंक प्लीज। क्या यार गाने की बात लग रही है, तुमने वैसे नहीं लगवा ली, तुमने लगवा ली कहां तक पहुंची? बहुत अच्छी मेहंदी लगी, बहुत अच्छी लग रही है। सुने अब आप जाएंगे नहीं प्रोग्राम के बाद, मुझे भी मेहंदी लगा के जाइएगा। मैंने तो पैरों में भी लगवानी है। जनरल आप मेहंदी लगानी है ना, बैठ के पैर में लगवाओगी? चादर बिछी हुई हो है, इतना लगानी है मेहंदी लगाने का मुझे कुछ नहीं। तुम्हारे घरों में की चादर बिछी हुई हो, सब जमीन पे बैठ के गुलाम अंगूर खिला रहा था। अच्छा आप ये बताए मुझे कि शबीर राणा साहब जी इतने चुलबुले क्यों हैं आप? वजह है चुलबुलापन। 12 बजे के बाद इनको पता लगेगा ये शो में क्या कर रहे हैं। कल ये सो रहे होंगे। असल में मसला ये है कि हसीनों को देखकर कुछ बिगड़ जाता। शुक्र आपने हसीना नहीं बोला, वरना इतना बुरा जवाब मिलता आपको मेरी तरफ से। मैं हसीनों की बात कर रहा हूं। अब ऐसे-ऐसे चेहरे यहां मौजूद हैं ये लो, हम सौतेले क्या मसला खैर नहीं है मेरी बात पे आने आप मेरी बात सुनो, मैं आपसे 2 साल छोटा ही हूँ। अल्लाह भाई हम जब तक ये सब तेरी अकल में छोटे, जब तक हम शबीर साहब की फीडर का इंतजाम करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी रंग देगी जिंदगी। बड़े मजे मजे की बातें हो रही हैं और बड़े मजेदार लोग बैठे हैं और उरुसा ने किसी और शो में जाना था तो इसलिए उरुसा भाग गई हैं, लेकिन थैंक यू सो मच उरुसा, आपने हमें मौका दे दिया, आपका शुक्रिया अदा करने का, बहुत मजा आया आपके साथ। और कहां तक पहुंची रही आपकी मेहंदी? एक हाथ तो कंप्लीट हो गया है। बहुत आला यार, बहुत प्यारी मेहंदी लगा रही है यार, कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही है सामने। मैं सोच रहा हूँ ये मुझे भी मेहंदी लगा दे, मैं घर जाके बेगम से हाथ मिला लूंगा। यार मेहंदी का ठीक ठाक लंबा टाइम लग जाता है, मुझे समझ भी नहीं आता। पॉलर वाली जो लड़कियां बहुत सारी बैठी हूँ, हालांकि मैं कभी अंदर भी नहीं गया, बड़ा अफसोस की बात है। अफसोस इस बात का कि अंदर नहीं गया। बहुत टाइम लग जाता है तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। ये मैंने सोचा ये बाजी जो कर रही है मेहंदी लगा रही है बड़ी। भाई सुमेरा 15 मिनट में सिर्फ मेहंदी में दिल चांद तारा और तीर गुजरता हुआ। चांद तारा, इनकी बेगम का नाम चांद तारा था। अच्छा एक चांद दूसरी तारा या एक चांद तारा और ये नैन तारा? अच्छा आप भी इनकी बेगम थी? नहीं, ऐसा लगे शौक नहीं लगता। एक दफा फिर क्लोज कीजिएगा जरा आपा को, एक सेकंड, एक दफा आप फिर बोलिएगा, आपा को क्लोज कीजिएगा एक्शन के साथ। मैं बोलता हूँ क्यों दे रहा हूँ आपको, एक मिनट पहले क्लोज बंदे ने हमारा आपा का चलें सही है बोले। क्या ये ड्रामे में ये आपके शौहर हैं? नहीं, अब उससे पूछो क्या ड्रामे में खुराना खासा ये आपकी बीवी है? ऐसा शौक नहीं है मेरा। हाँ ऐसे आदमी 1 अप्रैल को लड़कियों को आई लव यू बोलते हैं, मान गई तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं अप्रैल फूल है। बिल्कुल सही। और बकास लगता है सिर्फ यहाँ पे खाने पीने आए, बेटा कुछ घर पे भी खा लिया, अगर चाय है कि टूटे ही भरे जा रहे हैं यार। अभी बेचारा रोया है, सोता रहेगा, तो माइक भी लग गया, अभी रो रहा रहेगा। माइक लगने की खुशी जितनी इसको हुई है ना, मेरे कपड़े गीले कर दिए रो रो के। रो रो के माइक लगा ना मेरे, खुशी के आंसू है भाई। तो यहाँ आ जा, डेढ़ शॉट बन रहा है अजीब सा, वो बेचारा मजबूर आशिक मजबूर। सर मैं बैठ सकता हूँ? अरे आप बैठ जाओ, खाना समझ के बैठ जाओ। अच्छा ये बताएं आप लोगों ने गाय बकरे क्या लिए हैं भाई कुर्बानी के लिए, आप बताएं भाई? मैंने हिस्सा लिया है। हिस्सा जबरदस्त। किसमें? गाय में।
रातों में नहीं गाय में मतलब आपके हिस्से बहुत चलते रहते हैं। इनके तो हिस्से हो चुके हैं वैसे, वाकई सही कह रही है। तेरे हिस्से हिस्से करके मुस्कुरा के जल्दी जल्दी भाई। दानिश तुमने क्या लिया? हम मेरा माशाल्लाह बकरा लिया। भाई देखो कुर्बानी दिल से होती है, आपकी नियत है कुर्बानी की, चाहे छोटा बकरा हो चाहे बड़ा बकरा हो, चाहे गाय हो चाहे छोटी गाय हो चाहे भाई का क्या हो, चाहे ऊंट भी मेरे समय उठ के बहुत बेहतरीन गिजा है, खाने में बड़ा मजा आता है। बकरे का गोश्त तो फिर आपको पता नहीं, यहाँ पर ये सुन्नत इब्राहिमी है जी, माशाल्लाह। और ये हम पर एक फरीजा है बिल्कुल मजहबी तौर पर अपने इस्तेआत के मुताबिक सब कुर्बानी जो भी है करना चाहिए, बेशक बेशक करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हम सबको ये तौफीक दे। और इसलिए भी जरूरी है कि बच्चों को भी पता लगे तालीम के बारे में चीजें, आप उनके सामने करें और ये अच्छी चीज है। बिल्कुल जी है, मैं खुद हाँ, तुम मंडी गई थी ना हाँ। क्या हुआ? मैं बैल लेकर आई हूँ। बैल लेकर आई ये गई रिक्शे में थी, आई बैल पे और पिकअप में उसके साथ बैल सुजुकी होती है उसमें आई हूँ। सुजुकी में आई, वाह भाई नाहिद के लिए तालियां। आप क्या कह रही थी आप? और सुजुकी वाले के लिए भी तालियां, बड़ा रिस्क लिया उसने आपको लाके भाई। अच्छा नाहिद क्या मुंह पे कपड़ा बांध के गई थी कि पहचाने नहीं कोई? वो वहाँ मास्क होते हैं जो बच्चे बेच रहे होते हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट होती है, तो मैंने उससे बचने के लिए जब वैसे ही मैंने जब मास्क पहना तो मेरा मुंह छुप गया था, इसलिए ज्यादा किसी ने पहचाना भी नहीं। और अच्छा माशाल्लाह जानवर मिल गया। तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई गाय भाग जाए? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत शौक है इन चीजों का। जानवर ने मास्क पहना बताया? वो आपके वाले जानवर ने पहना? हाँ मेरा भी पहना था जी, हाइजीन से पाक। बकास हम बकास से तो 6 बकरे खुद मंडी में रखे थे, हर बकरे का नाम रखा था उसने, केरू बादल चेतन। अच्छा देखो सोचने की बात है, नाम इन्होंने रखे, इन्हें रखा और याद उनको हो गए। हम खरीदने जो गए थे माइक लग गया तुम्हें? तो बोलना भाई। अच्छा भाई हमने जो लिया है, बकास डर गया है कि वो समझ रहा था कि मुझे माइक अभी भी नहीं लगा। नहीं नहीं अच्छा हमने जो लिया है वो बकरे से थोड़ी सी बड़ी गाय ली है। बकरे से थोड़ी बड़ी गाय है, बकरे की अम्मी ली। तो तुम मोहल्ले 2 इंच लंबी है बकरे से। तुम मोहल्ले में घुमाते हो तरह तरह की? नहीं मजाक उड़ेगा मेरा, लोग कहेंगे बकरा गाय के साथ जा रहा है। मैं शूट से आया घर पे, मैंने देखा बाहर छोटा सा बकरा टाइप की गाय बंधी, ये किसकी है? तो भाई खड़ा हुआ, भाई हमारी है। इसने बोला भाई, मैंने कहा ये क्या मजाक है? इसने बोला रुलाएगा क्या पगले? अच्छा हमारे अभी 2 बकरे आते हैं तो छोटे आते हैं। अच्छा एक जन्नत का और एक इब्राहिम का ना, तो वो हमारे कोई आया हुआ था, तो जब बकरे आए ना तो उनका अच्छा आप कुर्बानी के जानवर आ गया? मैंने कहा हाँ हाँ अभी आ गया। अच्छा ये बकरे हैं? मैंने कहा हाँ। अब वो देख रहे हैं छोटे छोटे बकरे, यानी बड़े नहीं थे, इतने इतने हैं नॉर्मल जो साइज होता है। मैंने कहा लोग सोचोगे कितने कंजूस लोग हैं, कुर्बानी सिर्फ 2 बकरे वो भी इतने छोटे छोटे। हमारी बिल्डिंग में ना सबसे पहले कोई वो ले आया, वो शीप क्या कहते हैं, वो ले आया ना वही शीप, वो पहली आई और बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे सब देख के उसको यूं हो गए ना, बच्चे तो आपको पता है भी। हाँ। और हर बच्चे ने अलग अलग उसको घुमाया, अलग अलग खिलाया, अलग अलग पिलाया, बेचारा बीमार हो गया। मैं इसको सबसे पहले क्यों ले आया? नहीं रात को सब गए थे गाय लेने के लिए, रात को गए गाय लेने अकेले अकेले मेहंदी जो है वो कंप्लीट हो गई जवेरिया, हो गई जबरदस्त प्यारी लगी। हाँ गाय आ गई, कौन लेके आया? तो अकेले अकेले लेके आए। मैंने कहा या अल्लाह 2 बजे आए, बकरे बच्चों के लिए और गाय आपके लिए। अच्छा जी मैं मेहंदी लग चुकी है नाहिद के हाथ पर, बहुत खूबसूरत लग रही है मेहंदी। नाहिद तुम्हारे हाथ भी लंबे लंबे ना और हसीन लग रही है मेहंदी। और जी इस मेहंदी के साथ साथ छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। प्रोग्राम
टाइम का वक्त हमेशा ख़त्म होता है और ख़त्म होने वाला है, तो जाने से पहले मैं चाहूँगी कि एक एक मैसेज छोटा छोटा कोई देना चाहे। आज चांद रात है, कल ईद है, उसके लिए तो दानिश से शुरू करते हैं सबसे पहले। वैसे तो मैसेज देना मुझे बड़ा वो लगता है, क्योंकि माशाल्लाह हमारी पब्लिक बहुत समझदार है जी। आपको इलेक्शन में अंदाजा तो हो ही गया। मैसेज ये देना चाहूंगा भाई, आप लोग अक्सर वीडियो देखते हैं कि गाय भाग गई, भैंस भाग गई और उसको लात मार दी गाय ने और ये हो गया, तो मैं सलाम करता हूँ उस आदमी को जो इस कंडीशन में भी वीडियो बना रहा होता है। भाई भाई तो अपनी जान बचा तो ये क्या कर रहा है। और लेकिन ये सारी जो वीडियोज हैं, डेफिनेटली इतने सारी कुर्बानी होती है माशाल्लाह। हाँ। पूरी दुनिया में मनाया जाता है ये फेस्टिवल, और तो मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली ये बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक सबक है, एहतियात से कुर्बानी करें। बहुत शुक्रिया, जानवर को तकलीफ ना दें। जी आप आ गए गोविंदा जी को देखिए, मोशन के बाद गोविंदा ऐसा हो गया। सिर्फ गोविंदा नहीं, अक्षय गोविंदा। अच्छा, मेरे दो छोटे छोटे मैसेजेस हैं। शाहरुख दो है गोविंदा। नहीं नहीं, एक की बात हुई, एक एक शाहरुख। हां बताओ, दो दो छोटे छोटे। नहीं हमने खेली। अच्छा, एक बकरीद का ये है कि प्लीज अपने फ्रिज भरने के। नहीं आप बोले। हां शाहरुख खान जरा बोलो, बोलते हैं फ्रिज भरने से। मैं भूल गया, फंबल हो गया। हां भाई, टाइम जरा जल्दी बोलो। सीधी सी बात है कि अपने फ्रिज भरने के अलावा आप सारा गोश्त बांटा करें। प्लीज जरा दानिश को भी बोलो। सेकंड ये कि थैंक यू सो मच हमारे ड्रामे के डायरेक्टर सैयद नुमान और एसोसिएट जो है फहीम, बहुत अच्छी तरह संभाला। थैंक यू सो मच इतना अच्छा बनाने के लिए। और कभी कर दे यार। हाँ, स्पॉट के लिए मेकअप अमरीन, सबका बहुत बहुत थैंक्स। प्रोडक्शन का और ईद के बाद जैसे हमारा ड्रामा स्टार्ट है, तीनों दिन आप देखेंगे। गधे प्रोड्यूसर में बैठे हैं हमारे प्रोड्यूसर जन्नत जवेरिया बाजी, साउथ भाई इब्राहिम का थैंक यू सो मच। मैं हमारे ड्रामे भी आते हो कभी? ईद के दूसरे दिन हमारा भी ड्रामा देखे, मैं भी हूँ उसमें। जवेरिया कुसुम की लव स्टोरी। मेरा सिर्फ ये पैगाम आप रहने दो, मोहब्बत पैगाम है मेरा, जहाँ तक पहुँचे मिल के रहिए, रहिए। ईद हर रोज मनाते रहिए। वाह वाह, जन्नत आप क्या कहेंगी? इधर मेरे करीब माइक के करीब आके जोर से ईद मुबारक कह दो। ईद मुबारक कह दो। ईद मुबारक। एक मिनट रह गया, बस यही कहना कि अल्लाह करे खैर खैरियत से गुजरे। बिल्कुल, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और पैगाम सिर्फ ये है मेरा एक, कि जो मैसेजेस आज तक देते रहे हैं लोग, उन पे अमल कर लें। आज तक बहुत आला। ईद मुबारक। ईद मुबारक। नाहिद, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ज़्यादा बांटें, और ये नहीं कि गोश्त लेकर अपने फ्रीजर जो है वो भर लें, प्लीज़ ऐसा ना करें। जो हकदार हैं और जो सालों साल इस चीज़ से महरूम रहते हैं, तो ये ईद उन सब के लिए है। और हमें चाहिए कि हम सब जो है उनके साथ ईद करें। आ जाइए, आप ईद मुबारक कह दीजिए जरा। सबसे पहले तो मैं टाइम नहीं, बगैर ईद से कहते हैं ईद मिले मेरी जानिब से, क्योंकि 12 बजे के बाद कह दीजिएगा सबने आना। मेरी जानिब से ईद मुबारक, अहले वतन को ईद मुबारक। और बखुदा ये जो भी काट देते थे। अच्छा जी, हमारी तरफ से भी आज चांद रात को बहुत खुशियां मनाएगा, एंजॉय कीजिएगा और सबको ईद मुबारक। सुमेरा थैंक यू सो मच, छोटे मियां बहुत शुक्रिया आपका, चूड़ियों का थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक गाना तो हो जाए, तो लगा दीजिए गाना। काशी भाई आप इधर आ जाए हमारे साथ, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी है यही, बंदगी है यही, है यही है यही है जिंदगी, यही जिंदगी है यही, बंदगी है यही है यही है यही है जिंदगी। इश्क है, रब्त है, जब्त है।